वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर सरबप्रीत कौर, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी की सपुत्री, उन्हां दा लेख धरती श्री आनंदपुर साहब नूं अगे वधांदे हुए अज श्री आनंदपुर साहब के रूहानी पक्ष नाल तुहानूं जोड़ांगे। आनंद का साधारण जां व्यापक अर्थ भावें खुशी लिया जाता है, पर भारतीय शब्दावली विच आनंद शब्द सदा आत्मक प्रसन्नता वास्ते ही वरत्या जाता है। आनंद का भाव है वह मानसिक खुशी जिहड़ी निरंतर बनी रहे, संकट जां जुल्म कारण ना मुके ना भजे। श्री आनंदपुर साहब की सिरजना का मुख उपदेश ही यही सी कि गुरसिखां नूं निरंतर आत्मक प्रसन्नता ते आत्मक बल का वरदान मिलता रहे। गुरसिख संकट विच होवे या जुल्म का शिकार हो रहा होवे, जे वह श्री आनंदपुर साहब नाल जुड़िया होया है तां गुरु गोबिंद सिंह जी सहजे ही ते लगातार उसनू आत्मक प्रसन्नता प्रदान करदे हन ते बल सेती जीवन दा वरदान भी देंदे हन। आत्मक प्रसन्नता गुरु दा प्यारा बनन विच ही है ते बल सेती जीवन गुरु नू सिख अर्पण करन विच ही है। श्री आनंदपुर साहब नू अध्यात्मक दृष्टि तो देखो या सृजनात्मक दृष्टि तो देखो, हार ते निराशा आनंदपुर साहब दे जीवन आदर्श का कदी भी अंग नहीं रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी हाला 9 साल दे सन, हिंदू धर्म की सुरक्षा नमित पिता गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत देने लई दिल्ली भेज दिता। भेजन वेले आनंद बाहर प्रसन्नता अते जाहू जलाल ही है, निराशा डर ते सहम दी भावना बिल्कुल नहीं। शहीदी पिछों पिता गुरु तेग बहादुर जी का कटिया सीस झोले विच है, पर हिरदे विच जय जयकार की भावना प्रचंड है। औरंगजेबी हकूमत का हथ ठोका बन के आले दुआले दे पहाड़ी राजे दुश्मनी कमान वल वध रहे हैं, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की भारतीय आत्मा नू जागृति ते बल प्रदान करन लई पौंटा साहब विखे कविता भंडार ते कवि दरबार केंद्रित कर रहे हैं। जे पहाड़ी राजिया ने हमला कर दिता ता पंगानी ते नदौन दे युद्धां विच पूरी निडरता नाल जूझ भी रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र भावे चढ़दी जवानी वाली है, पर उन्हां दी मानसिक एकाग्रता, सृजनात्मक सोचने, सूरबीर विहार, चढ़दी कला अते लई समर्पण बिरती, मर्दानगी जज्बा ते कौम नूं संपूर्ण ते न्यारा रूप देण दा चा इन्ना तिबर ते वधेरे है कि उह लगातार अजित दी मूर्तिमान हुंदे हन। अनुभव ते अजित वातावरण विच जीवन वाला सदा प्रसन्नता ते स्वयमान विच जींदा है। निराशा ते हार उसदे जीवन दा अंग नहीं बन सकते। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुभव ते अजित जज्बे नूं साकार करन वास्ते श्री आनंदपुर साहब दी किला इसारी विच इस ढंग दी कीती कि वड्डे तो वड्डा विरोधी ते मारू हमला भी उन्हां तों किसे तरह दा जानी नुकसान नहीं सी पहुँचा सकता। 1699 ईस्वी के विसाखी दिवस उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने 80,000 सिखां नूं अमृत छका के मौत दी मोहताजी तो मुक्त ते अजित भावना प्रदान करके जिथे खालसा काल पुरख की फौज सजाया ते खालसे दा न्यारा रूप प्रगटाया, उस नाल श्री आनंदपुर साहब दी धरती नूं एक स्वतंत्र ते खालसा कौम सिरजन दी जन्म भूमि होण दा मान भी मिल गया ते इतिहासक नक्शे विच भी श्री आनंदपुर साहब की प्रसिद्धि ते मानता होर वध गई। निश्चय ही श्री आनंदपुर साहब खालसा कौम की आत्मक प्रसन्नता, अजित ते निडर भावना, न्यारे स्वरूप ते जथेबंधक शक्ति का प्रतीक भी है ते प्रेरणा स्रोत भी है। श्री आनंदपुर साहब की धरती धर्म युद्धां लई भी सर्वप्रिय है। धर्म ते देश की आज़ादी लई, खास करके दुष्टां ते दोखियां नूं पछाड़न लई इत्थे पवित्र धरती तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहाड़ी राजिया ते मुगल हकूमत नाल 17 युद्ध लड़े सन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारे युद्ध धर्म ते देश की आज़ादी लई सन। जिवें युद्धां विच धरती दे कब्जे तो लुट खसुट की भावना प्रधान हुंदी है, गुरु गोबिंद सिंह जी दे युद्धां विच अजिही कोई भी पकड़ नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी के सारे युद्ध हकूमत दे जुल्म विरुद्ध सन। इसे कारण गुरु साहब दियां फौजां विच
ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ। ਜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 40,000 ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 40 ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਸਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ 3 ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।